दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, ये देश अपने रीति रिवाज के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये देश काफी हाइलाइटेड है अपने राजा को लेकर भी। इस देश के राजा ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों शादियां की हैं और सैकड़ों बच्चे भी हैं। ऐसा क्यों किया है, इस बारे में आपको आगे बताएंगे। ये देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के लोग खेलों पर भी बहुत फोकस करते हैं। हालांकि ये एक अविकसित देश है, लेकिन प्रकृति ने इसे बहुत कुछ दिया है। तो आखिर कौन सा है ये देश, चलिए देखते हैं। दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कैमरून, जो कि अफ्रीका का दिल है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कैमरून की यात्रा की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों कैमरून, जिसे अक्सर अफ्रीका का दिल कहा जाता है, यहाँ पर आपको जीवंत जीवन देखने को मिलेगा। यहाँ के बड़े और मेहनती शहर पहाड़ों, वर्षा वनों और समुद्र तटों से घिरे हुए हैं, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ऑफिशियली तौर पर आप इसे रिपब्लिक ऑफ कैमरून कह सकते हैं। मध्य पश्चिम अफ्रीका में स्थित ये देश है और इसका बॉर्डर नाइजीरिया, चाड, अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण में इक्वेटोरियल गिनी से लगता है। साथ ही यहाँ पर खूबसूरती हर तरफ नजर आती है। कैमरून देश का क्षेत्रफल लगभग 4,72,710 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के भूभाग में 0.36% की हिस्सेदारी रखता है। इसे यूनाइटेड किंगडम के आकार से लगभग दोगुना और कैलिफोर्निया राज्य से लगभग 18% बड़ा बनाता है। ये देश जातीय रूप से विविध आबादी में से एक है, जो 250 जातीय समूहों से बना है। ऑफिशियल भाषाएं फ्रेंच है। लगभग 280 लोकल लैंग्वेजेस भी यहाँ बोली जाती हैं। भाषाओं के मामले में भी ये देश काफी संपन्न है। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी पॉजिटिव है। इतना ही नहीं, जंगल जैव विविधता का प्रमाण है। यहाँ पर आपको पेड़ पौधों के अलावा पशु पक्षियों की भी बहुत सारी प्रजातियां मिलेंगी। इस देश का माउंट कैमरून सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 13,500 फीट है। ये देश का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी भी है दोस्तों, जो 2012 में लास्ट टाइम फटा था। दोस्तों कैमरून की राजधानी है यागोतेव, जो कि बेहद ही खास है। कहा जाता है कि यहाँ सबसे अधिक साक्षरता दर मिलेगी आपको। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर लोग खेलों में भी काफी रुचि रखते हैं। कैमरून की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम, जिसके बारे में अक्सर फीफा वर्ल्ड कप में हमने सुना, अफ्रीका की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। टीम ने 6 बार फीफा प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। साथ ही अफ्रीकी टीम से अधिक ये यहाँ की मान्यता रखती है। उन्होंने 5 बार विश्व कप में भाग लिया। 1990 में वे क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली अफ्रीका की पहली टीम बनी। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता और 4 बार अफ्रीकी नेशंस कप भी जीता है, जो कि अपने आप में इस देश के लिए गर्व की बात है। दोस्तों इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा मेढक देखने का मौका आपको मिलेगा। इस मेढक का नाम है गोलियत मेढक, जो कि कैमरून में रहता है। ये लगभग 34 सेंटीमीटर से लंबा है और 3 किलो से ज्यादा वजन वाला भी। भारी चट्टानों का उपयोग करके ये खुद अपना घर बनाता है। दोस्तों अफ्रीकन देश कैमरून में एक से अधिक महिलाओं से शादी करने का रिवाज है। यहाँ कोई एक दो नहीं बल्कि कई शादियां करता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैमरून के बाफुत में रिवाज है कि जब किसी राजा की मौत हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ गद्दी संभालने वाला राजा मरने वाले राजा की सभी रानियों को संभालता है। यानी ये रानियां इन्हें विरासत में मिलती हैं। इस प्रचलन के बाद से ही अब अम्बुबी की करीब 100 रानियां हैं और 500 बच्चे। इसके चलते दुनिया भर में ये चर्चा का विषय रहते हैं। अक्सर इसे लोग हाईलाइट करते हैं। दोस्तों इस देश में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। बस जहाँ नजरे घुमाएंगे वहाँ आपको देश और दुनिया की खूबसूरती नजर आ जाएगी। देश में बड़ी संख्या में प्राकृतिक पार्क है। जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं उन्हें यहाँ खजाना दिखता है। इसी के अलावा दुर्लभ और विदेशी जीवों को भी आप यहां देख सकते हैं। देश के दक्षिण में कैंपोमान नेशनल पार्क में गोरिल्ला देखना आम बात है। पार्क में हाथी, लकड़बग्घे और बहुत सारे जीव जंतु आपको नजर आ जाएंगे। इसी के साथ अच्छी सड़क के कारण अफ्रीका के अन्य हिस्सों की तुलना में यहाँ पर घूमना और वाहन किराए पर लेना काफी आसान है। अफ्रीकी देशों की तुलना में आपको सार्वजनिक परिवहन यहाँ बेहतर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप देश में कभी भी एक ही स्थान पर नहीं फंसेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं इस देश की राजधानी याउंड। पश्चिम अफ्रीका भले ही खूबसूरत शहरों के लिए जाना जाता हो, लेकिन कैमरून की राजधानी याउंड निश्चित रूप से उनमें से एक है। शहर को 7 पहाड़ियों में
देखा जाता है, जिसका मतलब यह है कि शहर की कई इमारतें हरे भरे जंगलों से घिरी हैं और ये बेहद ही विकसित जगह है। अपने लेआउट के अलावा ये शहर अपनी स्वच्छता और सुरक्षा के लिए भी जाना जाता है। सरकारी इमारतें संस्कृति प्रेमियों को पसंद आती हैं। कम से कम कहने के लिए ये चीज असामान्य सी दिखती है। दोस्तों, लिम्बे एक्टिव वॉल्केनो पर्वत माउंट कैमरून की ढलानों पर स्थित लिम्बे एक शहर है दोस्तों, जो उन यात्रियों के लिए एक बेहतरीन स्पॉट है जो खूबसूरती देखने आए हैं, खासकर प्राकृतिक खूबसूरती। आसपास बहुत सारे वनस्पति उद्यान हैं, झरने हैं जिसे आप देख सकते हैं, प्रकृति और पौधों के बारे में यहाँ जानकारी ले सकते हैं। पहाड़ की शिखर ऊंचाई करीब 4000 मीटर से ज्यादा है, इसलिए ये एक गंभीर चुनौती है, एक बेहतरीन एक्टिविटी भी है जिस पर आप जरूर अमल कीजिएगा, लेकिन सावधानी से। दोस्तों, ये है वाजा राष्ट्रीय उद्यान। मरोआ के उत्तर में लगभग 180 मील की दूरी पर वाजा राष्ट्रीय उद्यान है। ये पार्क चार मौसमों के दौरान बहुत अलग दिखता है। हाथी, जिराफ, लकड़बग्घे, बहुत सारे वन्य जीवन आपको यहाँ नजर आएंगे। यहाँ पर आप पार्क भी जा सकते हैं और साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो आप कहीं नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर गाइड हायर कर सकते हैं जो आपको इस देश के कोने कोने से रूबरू करा सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपका घूमना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, ये है बामिंडा। बामिंडा को कैमरून के उत्तर पश्चिम की राजधानी होने का खिताब मिला है। यात्रियों के लिए बेहतरीन जगह है, सुख सुविधाओं से भरी है और बेहतरीन शहर। बामिंडा शहर में आप घूम सकते हैं, एक दो दिन में आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, आसपास गांव भी घूम सकते हैं। दोस्तों, ये है फोम्बर, कला प्रेमियों के लिए परफेक्ट जगह देखने लायक। इस जगह आपको कला, संगीत और वास्तुकला का उदाहरण मिलेगा। कैमरून का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला शहर है ये। ये शहर अपने इस्लामी प्रभाव के कारण जाना जाता है और उत्तर और पश्चिम अफ्रीका के मिक्सचर जैसा लगता है। रॉयल पैलेस और बहुत सारे म्यूजियम हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये है किबी। ये कैमरून में स्वर्ग जैसा है। यहाँ के समुद्र तट, सफेद रेत, नीले समुद्र और समुद्र के किनारे स्थित रेस्टोरेंट बहुत ही खास है। यहाँ अक्सर आपको सी फूड मिलेगा, खासकर मछली, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। किबी क्षेत्र में बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप खूब मजे ले सकते हैं तरह तरह के खाने के। यदि पूरे दिन समुद्र तट पर आराम करते हैं तो दिन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। कुछ बेहतरीन और खास करने के लिए जगह परफेक्ट है। झरने भी हैं आसपास, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जगह पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।